हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप है। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 4 के एनसीईआरटी एग्जांपल। ठीक है, चैप्टर 4 के तो एग्जांपल नंबर 12 मेरे को यहाँ पे दे रखा है। बोला गया है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, जैसे मान लो रेक्टेंगुलर पार्क मेरा ए बी सी डी, इसकी फिगर क्वेश्चन में बनाई गई है। बोला कि जो इसकी ब्रेथ है वो 3 मीटर कम है इसकी लेंथ से। और फ्रेंड, क्वेश्चन में इसकी ब्रेथ ये है और इसकी लेंथ ये, बड़ा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अगर ये ब्रेथ चौड़ाई है तो ये भी कितनी होगी, सी डी और ए बी दोनों मेरी चौड़ाई हैं, बी सी और ए डी दोनों मेरी क्या हैं, लंबाई हैं। चौड़ाई जो है वो 3 मीटर कम है इसकी लंबाई से। इट्स एरिया इज़ टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया 4 मीटर ज़्यादा है किससे, देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल विद इट द बेस एज अ ब्रेथ। यानी इसकी चौड़ाई पर बनाया गया, ब्रेथ पे बनाया गया एक आइसोसेलस ट्रायंगल है डी ई सी। ठीक है, इसके ऊपर बनाया गया ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा, इस एरिया से रेक्टेंगल का एरिया 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। ठीक, जो इसकी चौड़ाई पे बनाया गया आइसोसेलस ट्रायंगल, और इसकी जो एल्टीट्यूड है वो कितनी, 12 मीटर, ये इसकी एल्टीट्यूड है। ठीक है, 12 मीटर तो बताओ इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो फ्रेंड, सब कुछ हमें दे रखा है, हमारे पास है रेक्टेंगुलर पार्क जिसका नाम है ए बी सी डी आयताकार पार्क ए बी सी डी। अब क्वेश्चन में जैसा बोला गया हम वैसे फॉलो करेंगे। इसकी जो चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ, वो है मेरी ए बी, और इसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो कौन है मेरी, बी सी। तो क्वेश्चन में जैसे बोले वैसा फॉलो करेंगे। देखो, बोला इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर कम है इसकी लेंथ से। ठीक है, अगर मान लो इसकी लेंथ मेरी एक्स है, चौड़ाई कैसे, 3 कम कितनी होगी, एक्स माइनस में 3 मीटर। ठीक है फ्रेंड, दोबारा सुन ले, क्वेश्चन बोला है होज ब्रेथ इज़ 3 मीटर लेस देन द लेंथ, लेंथ जो भी होगी उससे 3 मीटर कम होगी। अगर लेंथ को x माना तो चौड़ाई क्या होगी, इससे 3 मीटर कम, यानी कि ये जो चौड़ाई है वो कितनी है, x माइनस 3, और लंबाई कितनी है, x। अगर ये x माइनस 3 है तो ये भी कितनी होगी, x माइनस 3, क्योंकि है तो दोनों सेम, ये भी चौड़ाई और ये भी चौड़ाई है, सी डी भी क्या होगी मेरी, सेम होगी। जितनी मेरी बी सी होगी उतनी मेरी कौन होगी, ए डी होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। क्वेश्चन में जैसा बोला गया हम वैसा ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं दोनों के एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ, एरिया रेक्टेंगल, फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया ट्रायंगल, फॉर्मूला होता है 1/2, बेस यानी कि आधार इंटू ऊंचाई यानी कि हाइट, ये दोनों के फॉर्मूले होते हैं। क्वेश्चन में जैसा बोला गया हम वैसा फॉलो करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, रेक्टेंगल का नाम है ए बी सी डी, इस रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है, क्वेश्चन में गिवन था ये चीज़। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए फिर एक एग्जांपल सोच लो। मान लो ट्रायंगल का एरिया 10 मीटर स्क्वायर है तो रेक्टेंगल का कितना होगा, 14 होगा, डेफिनेटली बात सीधी सी बात है, 4 ज़्यादा तो 14 होगा। मैंने यहाँ पे साइन लगाया है इक्वल का, दोनों को मुझे इक्वल करना है, तो किस तरफ मैं प्लस का 4 लगाऊं ताकि दोनों साइड क्या हो जाए, मेरी बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये तो 14 है, ये कितना 10 है, अगर मैं इधर 4 लगाऊं तो दोनों साइड मेरी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ये भी 14 ये भी 14, तभी तो इक्वल टू का साइन मेरा पॉसिबल होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप यही एग्जांपल सोचो, आप कोई और भी एग्जांपल सोच लो। चलो मान लो इसका एरिया 20 है तो इसका एरिया कितना होगा, 24। ठीक, कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, दोनों को बराबर करना है, कितना प्लस करूँ, 4 प्लस कर दूँगा इधर भी और इधर भी, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, तो मैंने इधर प्लस 4 कर दिए। ठीक है, समझ में आया मैंने प्लस 4 क्यों किया, ताकि दोनों टर्म मेरी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और इसे काट देना, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका फॉर्मूला 1/2,
बेस, बेस कितना है ए बी, ठीक है, सॉरी वन बाय टू बेस होगा इसका ये सी डी, और हाइट कितनी इसकी दे रखी है ई एफ, लेंथ, लेंथ इसकी लंबाई एक्स, चौड़ाई कितनी एक्स माइनस तीन, एक बटा दो, इसकी ऊंचाई कितनी है 12 और बेस कितना है एक्स माइनस तीन, और पीछे कौन चल रहा है प्लस में 4, 2 6 12, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर पावर एक और एक दो, इससे गुणा किया 3x, 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया 6x, 6 को 3 से गुणा किया 6 3 18 प्लस में 4, देखो जरा 6x प्लस का 18 सॉरी माइनस का 18 प्लस का 4, 18 में से 4 गया माइनस का 14, दोनों को ट्रांसपोज करके इधर ले चलते हैं, ठीक है, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा, दोनों को जोड़ा माइनस का 9x प्लस का 14। अब हमें करने इसके फैक्टर, ठीक है, और फ्रेंड फैक्टर हमें इसको इस तरीके से करना है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14, मल्टीप्लाई करें तो 14 आए और प्लस माइनस करें तो कितना आए 9 आए, ठीक है, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने 14 आए और प्लस माइनस करने पे 9 आने चाहिए, तो 14 कब आता है 14 वन ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14, और कोई कंडीशन तो बनती ही नहीं इसकी जो इस सिचुएशन में आती हो, तो देखो जरा मेरे को मैंने क्या कहा बोला प्लस या माइनस करने पे कितने आने चाहिए 9 आने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे दोनों 14 आ ही रहे हैं, 14 और 1 15 नहीं आ रहा, 14 में से 1 गया 13 नहीं आ रहा, तो ये फैक्टर नहीं होगा, 7 में 7 और 2 कितना हुआ 9 आ रहा है, तो फैक्टर कौन होगा ये होगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 9x को मैं लिखूँगा 7x माइनस 2x, ताकि दोनों टर्म जुड़कर माइनस की ही रहें और निशान किसका आ जाए माइनस का 9x, ठीक है, यहाँ 14 चल रहा है, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ठीक है, जब भी यहाँ माइनस हो तो माइनस को कॉमन लेना, अंदर वालों की साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसलिए माइनस को कॉमन लिया मैंने ताकि अंदर माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो अंदर के साइन बदल जाते, वापस मेरी सिचुएशन आ जाएगी, इसलिए माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन बदल देंगे, दोनों में दो का डिवाइड जा रहा है, दो एक कम दो, 2 7 14, ये दोनों टर्म हमेशा एक जैसी होंगी, अगर एक जैसी नहीं समझ जाना क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, x माइनस 7 और x माइनस में 2, दो सिचुएशन आ रही है, दोनों को फिर अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस का 7 इधर एक्स को आ जाएगा प्लस का, माइनस को इधर एक्स को आ जाएगा प्लस का, तो यानी कि दो सिचुएशन आए, अब मेरे को कैसे पता लगेगा मेरा आंसर कौन सा है, मैंने x किसे माना था लंबाई को, लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है, जो चौड़ाई है वो इससे 3 मीटर कम है, ठीक है, अगर मान लो मेरी 2 मीटर होगी तो 2 मीटर से कम 3 मीटर चौड़ाई हो सकती है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो आंसर होने से रहा, आंसर कौन होगा 7, एक्स बराबर हो गया 7 मीटर, चौड़ाई से 3 कम है, 3 कम कर दो कितने आए 4 मीटर, तो फ्रेंड ये तो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब इसी इक्वेशन को सॉरी ये था फैक्टराइज मेथड, अब इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, ये फैक्टराइज मेथड था, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से देखते हैं फ्रेंड इसी क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इक्वेशन जो है उसको कंपेयर करेंगे इससे, साथ में कुछ भी नहीं मन मान लो, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 9, c बराबर 14, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस का 4ac, b है माइनस का 9, a है 1, c है 14, 9 9 81, ठीक है, हाँ इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आया 56, मैंने माइनस किया कितना है 25, तो d आ गया, वैल्यू होती है माइनस का b प्लस माइनस में अंडर d अपॉन 2a, तो माइनस का b कितना है माइनस का 9 प्लस माइनस में अंडर d की वैल्यू कितनी आ रही है 25 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1, ठीक है, तो माइनस माइनस
प्लस 25 करोड़ कितना होगा 5 2। इसे एक बार पॉजिटिव में ओपन कर देंगे और एक बार इसे हम नेगेटिव में ओपन कर देंगे। 905 कितना हुआ 14, 14 में 2 का डिवाइड दिया 7, माइनस किया 4, 4 में 2 का डिवाइड दिया 2। तो फ्रेंड ये तो पॉसिबल होगी नहीं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो मेरा जो लंबाई होगी लेंथ वो कितनी होगी 7 मीटर, चौड़ाई इससे 3 कम है तो 7 में से 3 गया 4 मीटर लेंथ और ब्रेथ आ गई। तो फ्रेंड मैंने इसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से करा, पहले किया था फैक्टराइज मेथड से ये वाला, फिर क्या हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। आपको जो आसान लगे आप पेपर में वो कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड एग्जांपल नंबर 12 हमें समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।